हाय दोस्तों, फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ओमन के बारे में। मेरा एक सब्सक्राइबर था वाइट स्नो, उन्होंने सवाल पूछा है कि उनकी बहन, उनका फूड टेक्नोलॉजी में स्टडी हो चुका है और उनको ओमान जाना है काम करने के लिए, तो क्या लड़कियों के लिए ओमान देश सेफ है। तो देखो दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओमान एक सेफ कंट्री है, ठीक है। लड़का हो या लड़की, जाके काम करने के लिए ओमान कंट्री सेफ है। ओमान का फोर्थ रैंक आता है पीसफुल कंट्रीज़ में। तो आप अगर स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप नॉन मुस्लिम्स हो, ओके, तो आप डरो मत कि मुस्लिम कंट्री है कैसा जाए। बाकी कंट्रीज़ का मुझे मालूम नहीं, बट ओमान के बारे में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो देश बहुत ही अच्छा है, पीसफुल देश है। वहाँ पे लो क्राइम रेट है, क्राइम रेट ना के बराबर है वहाँ पे। और वहाँ के जो लोकल है, स्पेशली मैं ये मेंशन जरूर करूँगा, वहाँ के जो लोकल पीपल्स है, ओमानी लोग, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। उनमें थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं मिलेगा आपको, आपका कल्चर को वेलकम करेंगे, यू नो, आप उन्हें बोल के आया तुम्हारा ऐसा है तुम्हारा वैसा है, कभी नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे घुल मिल जाएंगे इजीली काम करने के टाइम पे। तो डरो मत, इजीली जाओ, आराम से जाओ, बिना डरे जाओ। ओमन कंट्री बहुत सेफ है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। बट एक बात हाँ वहाँ पे है कि अगर आप जा रहे हो ओमन कंट्री, तो प्लीज़ आप जो भी एजेंट से जा रहे हो, पहला जो भी वीज़ा, कोई कोई एजेंट्स बहुत फेक है आजकल में, मिलेंगे आपको, पैसा खा के बैठ जाते हैं, राइट, आपको एड़ा बना के भाग जाते हैं। बहुत सारे केसेस हुए ऐसे, अभी भी होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो वीज़ा है, पहला वेरीफाई करो, जो कंपनी में आपको जॉब लगा है उस कंपनी में कॉल करके या यू नो मैसेज मेल करके वेरीफाई करो कि आपका पक्का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है ना, क्योंकि बहुत सारे फेक बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, पैसा लेते भाग जाते हैं एजेंट्स लोग। तो सब कुछ कन्फर्म करो फिर ओमान जाओ या कोई भी कंट्री जाओ गल्फ़ में, बट गल्फ़ के लिए स्पेशली यू नो ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारे एजेंट आपको फेक मिलेंगे जो एड़ा बना के भाग जाएंगे, तो वो अलग बात। बट लड़कियों के लिए देखा जाएगा तो सेफ कंट्री है, जाओ, बहुत सारी लड़की आपको मिलेगी वहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में, उसके बाद होटल इंडस्ट्रीज़ में, छोटे छोटे आउटलेट्स में, मॉल्स में लड़कियाँ मिलेगी आपको काम करते हुए ज़्यादातर वहाँ पे। जितना लड़के उतना ही लड़कियाँ रहेगी, अब उससे आधा लड़के, बट होगी लड़की आपको वहाँ पे काम करती मिलेगी। ऐसे नहीं कि लड़कियाँ घर पे बैठती हैं, वहाँ पे हर एक लड़की आपके कंधे से कंधा मिला के काम करेगी वहाँ पे लड़कों से। तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं आपको, वहाँ के लोग अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं, मतलब बात करने में लड़कियाँ सब अच्छे, सब पूरा फ्रेंडली लोग हैं वहाँ पे, वहाँ के लोकल ही फ्रेंडली लोग हैं, तो लोकल लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, हमारे पीपल्स, तो डरियो मत, ठीक है, आराम से जाओ, हंसी खुशी जाओ। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, मगर जो घर काम करने के लिए जाते हैं, घर का काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पे एज अ मेड, कोई भी गल्फ कंट्रीज़ में, उनके बारे में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं और ऑब्वियसली कभी उनसे बात नहीं हुआ कि उनका जॉब कैसा चल रहा है ना, वर्क एनवायरमेंट कैसा है, वो कभी पूछा नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं, तो मैं उसके बारे में ना ही बताऊँ, क्योंकि मैं बोलूँगा अच्छा है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सही नहीं है ना। तो बस वो छोड़ के बाकी सब बोल सकता हूँ कि आप अगर लड़की एज अ लड़की कोई दे काम के लिए जा रहे हो, वो काम छोड़ के, घर का काम छोड़ के, देन सच में कंट्री अच्छा है, आप जाओ इजीली, आपको कोई इशू नहीं होगा। एंड दो तीन एक दो महीना लगेगा मैक्स टू मैक्स 3 महीना पकड़ लो लगेगा आपको एडजस्ट होने के लिए वहाँ पे, क्योंकि दोस्त नहीं रहेंगे ना नया कंट्री, तो एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो अब्रॉड। तो फाइनली यही बोलूँगा मैं कंक्लूजन कि ओमान कंट्री सेफ है लड़कियों के लिए काम करने के लिए, कोई भी सेक्टर में जाओ, अच्छी बात है लड़कियों के लिए काम करना, ओके। तो आप डरो मत एज अ गर्ल, अगर आप फैमिली मेम्बर कोई देख रहा है जिसके घर से लड़की या यू नो कोई जाने वाला है ओमान कंट्री जॉब के लिए, तो डरो मत, उनको बताओ कि डरने की जरूरत नहीं है, कंट्री अच्छा है, एक दो महीना लगेगा एडजस्ट होने के लिए, बस दैट्स इट, ओके। तो बस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो, तो नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और हाँ, एक मेन थिंग कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, तो इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई जल्दी देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करो, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।